फ्रेंड्स, इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आप भी पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं ऑनलाइन, लेकिन यूएन पोर्टल पे एरर आने की वजह से आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक यदि आपने बिना स्किप किए हुए देख लिया, तो आप बिना दोबारा बैंक केवाईसी किए हुए अपना क्लेम 100% गारंटी के साथ कर पाएंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं, वो लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। सबसे पहले हम अपने यूनिफाइड पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉग इन हो जाएंगे और यहाँ पे आपको मैनेज पे जाना है। मैनेज पे केवाईसी डिटेल पे हम जाएंगे और इनका केवाईसी चेक कर लेंगे कि कोई पेंडिंग तो नहीं है और है या नहीं है, अपडेट हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केवाईसी कोई भी पेंडिंग नहीं है और डिजिटली अप्रूव्ड केवाईसी में आपको देखने को मिल जाएगा। ये बैंक का डिटेल अपडेट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ यहाँ पे अप्रूव्ड है। यहाँ पे जो डिजिटली अप्रूव्ड केवाईसी में है, ये सब कुछ दिखा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे चले जाएंगे और यहाँ पे क्लेम फॉर्म देख लेंगे। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यूएन नंबर है, इसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी योर केवाईसी बैंक केवाईसी नॉट डिजिटली साइंड इन बाय योर एम्प्लॉयर कैन नॉट बी प्रोसेस। फ्रेंड्स, यदि आप यूएन पोर्टल पे ये इरर ठीक करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से बैंक केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा, वो अपने एम्प्लॉयर से अप्रूव भी करवाना पड़ेगा। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जिनकी कंपनी बंद हो गई है, या तो अभी वो दोबारा से बैंक केवाईसी नहीं करवा सकते किसी भी रीजन से, तो आपको कैसे पैसे निकालना है ये हम आगे इसी वीडियो में जानेंगे। पहले आपको अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे उमंग एप्लीकेशन की, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोज भी बनाया हुआ है और बताया हुआ है कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके लिए। इसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा, यहाँ पे आपको अपना जो भी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लेना है और इनकी जो भी इनका नियम और शर्तें हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सहमत है तो सहमत पे क्लिक करके अगला ऑप्शन कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है। यदि आपने पंजीकरण नहीं किया तो पंजीकरण कर सकते हैं, इसका ऑलरेडी डीपली वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मोबाइल नंबर हम एंटर कर लेते हैं, जिस भी मोबाइल जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपको, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने एम पिन के सहायता से आप लॉग इन हो सकते हैं, यदि आपको एम पिन पता है तो। अगर एम पिन भूल गए तो ओटीपी के साथ यहाँ पे लॉग इन हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लॉग इन कर देंगे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पे एक ओटीपी चला जाएगा, जो भी रजिस्टर्ड नंबर आपने एंटर किया वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई कर। यहाँ पे हमने अपना जो भी एम पिन था वो एंटर कर लिया है, डन कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे और ये 2 मिनट के अंदर ही आपको एंटर करना होता है। देखिए, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा, इसके बारे में इसमें क्या क्या आपको आप काम कर सकते हैं सब कुछ मैंने पहले भी बता रखा है। तो अभी हम ईपीएफओ के बारे में ही जान रहे हैं, तो ईपीएफओ पे हम जाएंगे। यहाँ पे ईपीएफओ की जो सर्विस मिलती है, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यदि आप COVID-19 से अग्रिम निकालना चाहते हैं, पासबुक देखना चाहते हैं, दावा करना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ दावा को ट्रैक भी कर सकते हैं, अपना जो भी एक्टिव करना चाहते हैं तो एक्टिव कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, फिलहाल मैं हिंदी में अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दावा करें पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही दावा करें पे करेंगे तो आपको अपना यूएन नंबर एंटर करना पड़ेगा, ओटीपी एंटर करना पड़ेगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। यहाँ पे ओटीपी पाए पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके मोबाइल नंबर पे। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर शो हो गया है नीचे की साइड, इस पे ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब फ्रेंड्स, ये ओटीपी आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें आएगा और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ओटीपी वैलिडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो यूएन नंबर है जिसका हम क्लेम नहीं कर पा रहे थे, उसमें लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको थोड़ा नीचे की साइड जाना है और आपके जो डिटेल है वो दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आपको खाता संख्या के अंतिम लेटेस्ट 4 डिजिट आपको एंटर करना है, तो यहाँ पे 4 डिजिट आप एंटर कर लीजिए जो भी आपके बैंक खाते का है। उसके बाद से यहाँ पे गो पे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिए आपका क्लेम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ से क्लेम आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल में इस मेंबर का एक ही क्लेम आईडी है, तो एक ही क्लेम आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो दिख जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट है वो दिख जाएगा, जो भी है इसमें डिटेल सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद अगला कर देंगे, तो छोड़ने का कारण यहाँ पे नहीं है और जो आपका छोड़ने का तारीख है वो भी अपडेट नहीं है, अगला कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे अगला का मतलब। और उसके बाद देख रहे हैं ये क्लेम आपका सफलतापूर्वक हो पा रहा है। आप यहाँ से स्थान चूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका स्थान का मतलब एड्रेस आप यहाँ पे आपको लिखना है, जो भी आपका राज्य है वो लिखना है, जिस भी राज्य से। चलिए यहाँ पे मैं हरियाणा लिख देता हूँ,
तो यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा मैंने सर्च कर लिया है। उसके बाद जिला यहाँ पे आप सर्च कर लिए, चलिए मैं यहाँ पे गुड़गांव लिख लेता हूँ, यहाँ पे गुड़गांव आ गया है। अब शहर, शहर में भी गुड़गांव आपको लिख लेना है यहाँ पे, नहीं आप अपना लिखिएगा, मैं यहाँ पे गुड़गांव लिख रहा हूँ केवल रेफरेंस के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगला का ऑप्शन आ गया, अगला करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा योग्यता का दावा, जो फॉर्म नंबर 31 है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा और कोई नहीं हो रहा है क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट तो है नहीं, अगर आपके पास डेट ऑफ एग्जिट है तो वो भी शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसका प्रकार है तो डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे 31 हमने फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे अग्रिम लेने का उद्देश्य आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका शो हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे इनलेस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कितना रकम निकालना है, तो चलिए मैं 6000 यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। और यहाँ से अपलोड चेक लीफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। यदि आप उमंग ऐप से कर रहे हैं तो, क्योंकि वहां पे जब आप वेबसाइट से करते हैं तो वहां पे 100 KB से 500 तक है, और यहाँ पे आप 100 KB से नीचे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने आधार विवरणों का उपयोग इस दावे के संबंध में आवेदन कर रहा हूँ, रही हूँ, यह प्रमाणित किया जाता है कि विवरण मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे यूएन के लिए यूएन पोर्टल पे दर्ज किया गया डेटा मैंने देख लिया है और पाया है समस्त डेटा, बैंक खाता व विवरण, बैंक खाता और आईएफएससी कोड आपको सब कुछ वेरीफाई कर लेना है, और आधार नंबर पैन नंबर सही है और मुझे मुझसे संबंधित है। कृपया यूएन पोर्टल में उल्लेखित बैंक खाते में भुगतान करें यदि उपरोक्त कॉलम 6 में बताए गए किसी भी उद्देश्य के लिए इस राशि का उपयोग किया जाता है तो मैं यहाँ पे दंड स्वरूप लगाए जाने वाले ब्याज सहित समस्त राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो बिल्कुल आपको सही सही सब कुछ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर सहमत है तो सही का निशान लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ से क्लिक हेयर करके जो भी जिस भी फाइल में आपका ये फोटो है अपलोड कर लीजिए। यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ पे फोटो ले, देखिए फोटो लेकर के भी कर सकते हैं, आप गैलरी से भी चयन कर सकते हैं, तो अलाउ कर दीजिए, यहाँ परमिशन मांग रहा है तो गैलरी से, तो गैलरी से रिसेंट वगैरह जहाँ भी आपका है वो आप यहाँ से अपलोड कर लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फाइल अपलोड हो चुकी है, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे रिसेट कर सकते हैं कुछ गलती हो गई है तो, और यहाँ पे पीछे भी जा सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आधार ओटीपी पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी हैज बीन सेंड योर आधार VID रजिस्टर्ड, उस पर जो भी आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद सबमिट कर देना, यहाँ पे हमने ओटीपी एंटर कर लिया है, सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे सफलतापूर्वक हो रहा है और सफल सफल लिख रहा है, और यहाँ के आपका क्लेम सबमिट हो गया है। यहाँ से आप ट्रैक वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका PDF फाइल भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेट है टाइम है सब कुछ शो हो रहा है। तो जैसा कि अभी करेंट में मैंने जब अभी आपको दिखाया तो वहाँ पे जब वेबसाइट है उस पर कुछ भी नहीं हो रहा, आपका क्लेम नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए समय भी दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 को 13/8/2020, तो यहाँ पे 13 तारीख है, 8 का महीना है जो कि अभी करेंट महीना चल रहा है, और 2020, तो यहाँ पे आपने अभी अभी जो क्लेम किया है 19:43:47 पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सफलतापूर्वक आपका क्लेम हो पा रहा है। चलिए मैं ट्रैक करके भी दिखा देता हूँ। दोबारा से हम उसी पोर्टल पे आ जाएंगे वहीं पे, और यहाँ पे दावा ट्रैक करेगा ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से ट्रैक करके देख सकते हैं, उमंग सबमिट करें और यहाँ पे ट्रैक करें कि आपको देख सकते हैं आपने जो भी दावा यहाँ पे किया हुआ है यहाँ पे शो हो रहा है। जो दावा का प्रकार है वो फॉर्म नंबर 31 आपने फिल किया हुआ है, और दावा करने की तिथि है वो 13/8/2020 है। ऑनलाइन क्लेम आपने सबमिट किया है एट पोर्टल। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे बड़े ही आसानी से आप अपना सफलतापूर्वक क्लेम कर पाएंगे। इस एरर की वजह से काफी लोग परेशान है। यदि आप समझ चुके हैं और इतना अभी तक आपने वीडियो देखा है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, और आप अपने दोस्त मित्रों तक ये वीडियो को पहुंचाइए जिससे कि वो भी अपना क्लेम। इससे रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको रिलेटेड वीडियो का लिंक नहीं मिलता तो नीचे कमेंट किया जाए तो आपके कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी के साथ फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।